हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अभिनय शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो का जबरदस्त चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 मिक्सर एंड एलिगेशन। इस टॉपिक में हम प्रतिकरण में टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि एलिगेशन पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक हॉस्टल में कुल 320 विद्यार्थी है, 320 विद्यार्थी है, और यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की कमी की जाती है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से किया जाएगा आसान। विद्यार्थियों की संख्या में 10 की कमी की जाती है, -10, तो मेस का प्रतिदिन कुल खर्च 58 रुपये हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेस का औसत खर्च भी कुछ ने कुछ रहा होगा, तो यहाँ पर हम मेस का कुल औसत खर्च लिखेंगे ए, एवरेज। एवरेज मतलब औसत खर्च, और मेस का प्रतिदिन कुल खर्च 58 रुपये कम हो जाता है। किसकी वजह से? जब 10 विद्यार्थी की संख्या कम कर दी जाती है तो खर्च 58 रुपये कम हो जाता है। तो औसत में कमी देखते हैं कितने की कमी हो जाती है। 58 को 10 से भाग करेंगे 5.8 एवरेज में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.8 एवरेज। जबकि प्रति विद्यार्थी औसत खर्च, जो औसत खर्च है 20 पैसे बढ़ जाता है। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो सभी विद्यार्थियों का एवरेज ये था, अब 20 पैसे बढ़ जाता है, वो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 20 पैसे, 0.2 लिख देंगे ऐसे। अब देखिए ये कुल औसत खर्च हो गया ये। अब हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, ऐसे आमने सामने का अंतर करेंगे ऐसे। अब देखिए इससे बड़ी है ये वाली संख्या, तो इसका मतलब ये वाली संख्या इससे छोटी होगी, तो इसमें से इसको घटाएंगे। चलिए देख लेते हैं, 5.8 में से 0.2 घटाएंगे, अंक में से अंक घटाएंगे, तो 5.6 और माइनस एवरेज ये, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ए से कट जाएगा 0.2। क्लियर? अब देखते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। अब देखो टोटल विद्यार्थियों की आरंभ में संख्या कितनी थी, 320। तो इसके लिए हम लिखेंगे टोटल विद्यार्थियों की संख्या 320, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहीं पर ही। इनके लिए लिखेंगे -10। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं औसत की संख्या आ जाएगी हमारी यहाँ से, तो 0.1 से यहाँ पर 10 लगा देंगे ऐसे, और इस 10 से मैंने 10 काटा, 32 × 64 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, 10 की गुणा करेंगे माइनस का 56 आ जाएगा, क्योंकि 0.1 से ये हट जाएगा। ऐसे करेंगे, देखिए 5.6 गुणा -10, तो 0 से मैंने 0.1 हटाया तो माइनस का 56 रह जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस का 56 लिखेंगे इधर, और -10 की गुणा करेंगे इसमें -10 ए बराबर 32 × 64। अब देखिए 10 ए बराबर हो जाएगा 64 में 56 और जोड़ेंगे, 6, 4, 10, हासिल 1, 7 और 5, 12, 120। अब जैसे ही मैं 0 से 0 काटूंगा तो एवरेज आ जाएगा हमारा 12। तो आरंभ में 320 विद्यार्थियों का एवरेज था, जो औसत खर्च था 12 रुपये। तो पूछा है मेंस का वास्तविक खर्च, तो वास्तविक खर्च हमें बताना है, बहुत ही आसान और सिंपल। देखिए 320 विद्यार्थियों पर प्रत्येक पर 12 रुपये का औसत खर्च आ रहा था, 12 की गुणा करेंगे, 12 0 0 12 2 24
दो बार के 36 और दो 38, 3840 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल और आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज से कभी भी नहीं भूल सकते आप, बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने को मिलेगा, दमदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं वो क्वेश्चनों को। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत है। देखिए यहाँ पर पारियों की संख्या है 11 और इनका कुछ एवरेज है यानी कुछ औसत है ये। वह अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। देखिए अगली पारी आ गई आपकी ये और इसमें 90 रन बनाता है औसत के रूप में, तब उसका औसत 5 रन घट जाता है। पहले औसत ये था, अब 5 रन घट जाता है। क्लियर? तो यहां पर हम एलिगेशन का यूज कर रहे हैं। देखिए आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे इसे ऐसे। अब यहां पर देखते हैं इससे ये वाला छोटा है, क्यों है? क्योंकि इसमें से घट रहा है तो इसका मतलब इससे ये छोटा है। क्लियर? इससे ये छोटा है और ये वाला इससे बड़ा है। क्लियर? बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना आप पर मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, फिर आप गलत कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे ऐसे, ए में से घटाएंगे ए और माइनस का प्लस हो जाएगा 5, प्लस माइनस कट गया 5 बचेगा इधर। क्लियर? देखिए और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ए माइनस 5 और माइनस 90 माइनस 95 हो जाएगा। अब वही तरीका लिखेंगे, इस वाले के बटे में लिखेंगे ये वाली पारी 11 बराबर, ये वाला लिखेंगे इधर 5 बटे इसकी पारी लिखेंगे हम इधर 1। क्लियर? ये वाली 1। अब क्रॉस मल्टी की गुणा करेंगे ऐसे, ए माइनस 95 बराबर 11 × 55। अब 55 में हम इधर जोड़ेंगे इसको 5 × 5 = 10, 10 × 5 = 15, 150। देखिए आरंभ में एवरेज 11 पारी के बाद उसका एवरेज कितना था, 150। ये वाला एवरेज था उसका 150, लेकिन उसने पूछा है उसका वर्तमान औसत, यानी कि वर्तमान औसत होगा 12वीं पारी के बाद। तो 12वीं पारी के बाद उसका 5 रन औसत घट गया था, 5 रन घट गया था, तो 150 में से 12वीं पारी के बाद औसत, 12वीं पारी के बाद औसत 150 में से 5 घटा था, 145 रन होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत ही आसान और सिंपल। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी बहुत आसान बना लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से आसान। जैसे अगर औसत रन में कमी कहे, देखिए पहला पॉइंट नोट कीजिए, अगर औसत रन में कमी तो प्लस करना, और दूसरा पॉइंट है अगर औसत रन में वृद्धि आ जाए तो घटाना है माइनस। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं उसने कितने रन बनाए, 90, और औसत रन में 5 रन घट गए, 5 की कमी आ गई तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5, और उसने वर्तमान औसत पूछा यानी 12वीं पारी का औसत पूछा, तो 12वीं पारी से पहले पारी वाले की गुणा किया करें 11 की गुणा करेंगे, क्योंकि 12वीं का तो ये है ही है, तो इससे पहले 11 की गुणा करेंगे। तो चलिए हल करेंगे, 90 + 11 × 5 = 55, 90 + 55 हो गए 145। लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल आसान और इजी।
ये रहा। देखिए ये हमारी ट्रिक है, इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से आप आसानी से इसका जवाब ले सकते हैं। और ये भी आपका बहुत अच्छा तरीका है एलिगेशन मेथड से, ये भी आपका सॉल्यूशन बेस्ट है और ये भी है, तो आप कोई भी दोनों अच्छी तरह सीख कर वर्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4, देखिए 12.4 गेंदबाजी का औसत, वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो अब हमें यहाँ का औसत बनाना, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो एवरेज कितना बनेगा, 5×5 25, 5×2 10, 5.2 का कितने विकेट लेकर, 5 विकेट। ये विकेटों की संख्या है, पहले हमें मालूम नहीं विकेटों की संख्या कितनी थी, V4 विकेट, पहले विकेटों की संख्या मालूम नहीं, उनका एवरेज ये था। अब 5 विकेट लेकर औसत इतना बना, तब उसकी गेंदबाजी औसत में 0.4 का सुधार हो गया। देखिए पहले 12.4 था, अब सुधार कर दिया उसने, यानी कि 12 रह गया, 12.4 में 4 को सुधार दिया उसने, तो इसका मतलब 12 रह गया टोटल औसत। तो एलिगेशन के नियम से आमने सामने के अंतर को यहाँ पर और इधर यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 5.2 12 में से घटाएंगे, 6.8 बचेगा, और इधर 12.4 में से 12 घटाएंगे 0.4, 4×4 4 से इसे काटेंगे 17, दशमलव से दशमलव हट गया। अब देखिए वही तरीका, 17 अलग से लिखेंगे, 17 बटे में V4 विकेटों की संख्या बराबर 1 बटे में विकेटों की संख्या 5, ब्रज गुणा करेंगे, V×V बराबर हो गया 17×5 85, तो विकेटों की संख्या दी 85। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल गया, आ गया। अब देखो इसको सेकंड तरीके से भी देख लेते हैं, सेकंड मेथड इसका क्या बनता है, बहुत ही आसान। देखो एवरेज का जो रूल है, एवरेज योग बराबर होता है औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। देखो ये होता है औसत बराबर योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। देखिए इस कंसेप्ट से भी हम इसको हल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए, इससे भी यह आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले योग होता है, योग होता है औसत गुणा संख्या। देखिए योग बराबर होता है औसत एवरेज गुणा संख्या। तो देखिए औसत कितना दिया हमें, 12.4, और विकेटों की संख्या मालूम नहीं, प्लस उसने 26 रन देकर विकेटों की संख्या में 5 विकेट और बढ़ा दिए उसने, और ऐसा करने के बाद उसने औसत में 0.4 का सुधार कर दिया, पहले था 12.4 अब औसत हो जाएगा 12, ये हो गया सुधार। तो इससे भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए ब्रज गुणा ऐसे करेंगे, 12V×12×5=60 बराबर 12.4V×26, देखिए 26 इसमें से घटाएंगे, 60 में से 34 बचेगा, और 12.4 में से 12 जाकर घटेंगे 0.4V। अब देखिए ध्यान से पॉइंट हटाकर एक जीरो लगा देंगे, 4 से काटेंगे, 4×8=32, 4×5=20, तो देखिए विकेटों की संख्या आ गई 85। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये वाले तरीके से भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, और ये वाला तरीका भी आपके लिए बेस्ट है। दोनों से आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों का यूज करके आप स्ट्रॉन्ग बनिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक गेंदबाज के द्वारा कुछ निश्चित पारियों में दिए जाने वाले कुल रनों की संख्या 903, अगले मैच में उसने 4 विकेट और लिए। अब देखो पहले हमें मालूम नहीं विकेटों की संख्या कितनी थी, फिर उसने अगले मैच में 4 विकेट और लिए, क्लियर। और पहले हमें यह भी मालूम नहीं था कि एवरेज कितना था, क्लियर, और बाद में उसका एवरेज
226 रन दिए और 4 विकेट लिए उसने, तो 256 रन में 256 में 4 विकेट लेने पर एवरेज कितना बना, 4 6 24, 4 6 16 64 का, और उसका औसत 4 और बढ़ गया। फिर औसत पहले ये था, अब औसत 4 बढ़ गया। अब देखिए आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इससे बड़ा ये है तो इसमें से ये घटेगा, ए से ए कट जाएगा, 4 बचेगा ये इधर। जब इससे बड़ा यह है तो ये इससे छोटा है, इससे छोटा है ये, मतलब ये एक से बड़ा, इससे तो बड़ा इससे छोटा होता है। तो 64 में से 4 घटाएंगे, 60 माइनस ए, क्लियर। और वही तरीका बटे में डब्लू, यानी कि विकटों की संख्या बराबर 4 बटे में विकटों की संख्या 4, ऐसे। अब हम इसको हल करेंगे, 4 से मैंने 4 काटा और ये W इधर जाएगा, 60 माइनस A बराबर W यहाँ पर। अब देखिए आप इसको आगे बढ़ाएंगे, उसने कुल रनों की संख्या 900 थी, उसके रनों की संख्या 900 कैसे होगी, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा विकटों की संख्या, ऐसे। औसत गुणा विकटों की संख्या के बराबर, योग बराबर औसत गुणा संख्या बराबर आ गया 900 रन। अब देखो, अब हमें यहां पर विकटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए अंतिम में से पहले गेंदबाजी ने, गेंदबाज ने कुल कितने विकेट लिए। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 माइनस डब्लू बराबर ए, ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 60 माइनस डब्लू गुणा डब्लू बराबर 900। अब देखिए दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर मैं विकटों की संख्या 30 लेता हूँ, 60 में से 30 गए, 30 गुणा 30 900 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर विकटों की संख्या थी 30। देखिए अंतिम मैच से पहले गेंदबाज ने कुल कितने विकेट लिए, 30, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 30। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पीतल तांबा व जस्ते से बने एक मिश्र धातु है, तांबे में 80%, कांसे में 80% तांबा, 4% जस्ता और 16% टिन है। पीतल व कांसे को मिक्स करके एक मिश्र धातु बनाई जाती है। देखिए पीतल व कांसे को मिक्स करके एक मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें 74% तांबा, 16% जस्ता और 10% टिन है। तो पीतल में कॉपर व जस्ते का अनुपात बताना, कॉपर व जस्ते का अनुपात बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पीतल में टिन पर एलिगेशन, देखिए टिन पर एलिगेशन लगाएंगे सबसे पहले, पीतल में टिन और कांसे में टिन, इसमें दो बार एलिगेशन लगेगा, इसमें दो बार एलिगेशन लगेगा। देखिए पीतल में जस्ता और कांसे में जस्ता, एक बार टिन पर एक बार जस्ते पर लगेगा, पीतल में जस्ता कांसे में जस्ता। अब देखिए कैसे लगता है, ध्यान दीजिए, पीतल में टिन की 0% है मात्रा, देखिए पीतल में यहाँ पर पीतल नहीं दिया गया है तो 0%, और कांसे में 80% तांबा, 4% जस्ता और 16% टिन है, ये 16% टिन लिखेंगे यहाँ, और दोनों का मिक्स लिखेंगे, ये 10% टिन, 10% टिन।
देखिए पहली कंडीशन ये हो गई यहाँ पर, अब दूसरे में करेंगे यहाँ पर पीतल में जस्ता, पीतल में जस्ता हमें मालूम नहीं है, कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए ये, और कांसे में जस्ता हमारा है 4%, ये और टोटल जस्ता हो जाएगा 16%। ऐसे अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर आमने सामने का, डिफरेंस करेंगे 10% और दोनों का अंतर आ गया 6%। दो तीन छः, दो पंजे दस, तीन पाँच, तीन पाँच की मात्रा का अनुपात यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये वाले। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे हम, दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना हो गया, 16 में से 4 घटाएंगे 12%, और इधर इधर देखो यहाँ पर ये वाली संख्या इससे बड़ी है, तो इधर ये वाली संख्या इससे बड़ी होगी क्या, माइनस 16%। ऐसे करेंगे यहाँ पर हम, अब देखो इनको बराबर करेंगे, इधर 12% के बटे में 3 और इसके बटे में 5, और क्रॉस मल्टी करेंगे यहाँ पर हम, देखिए परसेंट ये बाहर ले लेंगे ऐसे कट जाएगा, 12 × 5 = 60 बराबर 3 क्या, माइनस 16 × 3 = 48, 48 इधर घटेगा 108 हो जाएगा बराबर 3 गुणा क्या, 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, क्या बराबर हो गया 36%। तो क्या का मान आ गया हमारा 36%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे कि पीतल में कॉपर व जस्ता का हमें एक्चुअल अनुपात बताना है, पीतल में कॉपर व जस्ते का एक्चुअल अनुपात, तो कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे, जगह इधर है, कॉपर और जस्ता का अनुपात। देखिए जस्ता मैंने अभी निकाला है, यहां से इसका आंसर निकाला है, जस्ते का आंसर निकाला है यहां पर 36%। देखिए जब टोटल मात्रा 100% होती है तो 100% में से 36% जस्ता है, तो 64% कॉपर है। क्लियर। अब देखो दोनों का रेशो यहां से अलग अलग आ जाएगा, परसेंट से परसेंट काटेंगे, और 4 से मैंने काटा 16 × 64 और 4 × 9 = 36। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर, ये अब एक्चुअल आंसर हुआ है, पहले का जो आंसर था वो जस्ते का था, अब रियल और एक्चुअल आंसर आया हमें मिला है कॉपर व जस्ते के अनुपातिक रूप में, अनुपातिक रूप निकाला है, तो फाइनली आंसर ये आ गया हमारे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 3, देखिए टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो गई है नई टाइप आपकी एलिगेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 चलेगा इस टाइप का, दो बर्तनों में दूध व पानी का मिश्रण दिया 1:3 / 3:5 के अनुपात में है, दोनों बर्तनों में से मात्रा को किस अनुपात में लेकर मिलाना चाहिए जिससे कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए यहाँ पर हम इसको दो कंडीशन से निकाल सकते हैं, दूध व पानी, तो सबसे पहले अगर हम दूध के अनुसार एलिगेशन लगाकर निकाल सकते हैं इनका रेशो, और पानी के अनुसार भी हम एलिगेशन लगाकर इनका रेशो निकाल सकते हैं ऐसे। तो देखिए सबसे पहले हम एलिगेशन यूज करेंगे दूध की कंडीशन, दूध इसमें 1 है पानी 3, दूध 1 पानी 5, दूध 1 है पानी 2 है, तो दूध के अनुसार 1 और टोटल हो गया 4, 1/4, फिर 3/ टोटल हो गया 5 और 3 = 8, ऐसे एलिगेशन लगेगा, और इन दोनों का जो औसत बनेगा यहाँ पर दूध है 1 पानी 2, 1/ टोटल हो गया 3 × 2 = 3, ये दूध के अनुसार आंसर वही आएगा, पानी के अनुसार एलिगेशन लगाने पर भी आंसर वही आएगा,
तो देखिए आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे इसे, नीचे की गुणा करेंगे 3 8 24 और ब्रज गुणा करेंगे इसे 3 3 9 माइनस 8 1 8। ऐसे ही इधर चलेंगे 3 4 12 एलसीएम ले लेंगे 12, ब्रज गुणा करेंगे 3 1 3 4 1 4 4 3। तो देखिए 9 में से 8 गया 1/24 रेशो 4 में से 3 गया 1/12 12 1 12 दूनी 24 2 इधर ऐसे और 1 इधर तो 1:2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:2। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, पानी से भी वही सेम आंसर आएगा, देख लीजिए। पानी 3 है और बटे टोटल 4, पानी से में 5 है टोटल 8, पानी यहाँ 2 है टोटल में 3, ऐसे एलिगेशन इससे भी हमारा वही आंसर आएगा 1:2। देखिए 8 3 24 3 5 15 8 2 16 16 15 का अंतर 1 3 4 12 3 3 9 4 2 8 9 8 का अंतर 1। देखिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने 12 2 24 2 इधर जाएगा ऐसे ब्रज गुणा में 1 इधर 1:2। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूध की मात्रा के अनुसार एलिगेशन लगाया और पानी की मात्रा के अनुसार एलिगेशन लगाया, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आया 1:2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा तरीका, बिल्कुल ईजी और आसान बताया जाएगा आपको। दो बर्तनों में दूध व पानी का मिश्रण दिया है 7:22 के अनुपात में 21 37 के अनुपात में, दोनों को मिलाकर किस रूप में मिलाया जाए कि दूध पानी का अनुपात 25:62 हो जाए। तो वही तरीका, दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं या एक कंडीशन से निकाल सकते हैं, दूध से निकाल लीजिए या पानी से, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर दूध से एलिगेशन पॉइंट यूज करेंगे, दूध से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल करेंगे। देखिए 7 दूध 7 और टोटल मिश्रण हो गया 29, फिर दूसरे बर्तन में दूध 21 टोटल मिश्रण हो गया हमारा 58, फिर 25 है और टोटल मिश्रण हो गया 87। देखो ये संख्या है छोटे, ये जो बटे की संख्या है इन्हें छोटा कर लेंगे अगर तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए 29 1 29 29 2 58 29 3 87 ऐसे अब आसान हो जाएगा। अब एलिगेशन लगाएंगे हम यहाँ पर ऐसे, देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 2 3 6 ब्रज गुणा करेंगे 21 3 63 25 2 50 63 में से 50 घटा देंगे और इसी तरह यहाँ 3 1 3 आ जाएगा नीचे और 3 7 21 और 25 1 25 25 माइनस 21। देखिए 63 में से 50 घटाएंगे 13/6, 25 में से 21 घटाएंगे 4/3, 3 2 6 2 इधर जाएगा 13:8 2 4 8 13:2 4 8। देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर 13:8। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल और इजी, देख सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर आ गया 13:8। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रम से 3:5 और 11:5 के अनुपात में है। पहले बर्तन के मिश्रण की 65 लीटर मात्रा को दूसरे बर्तन के मिश्रण की कितनी मात्रा के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। तो चलिए बना लेते हैं, दूध व पानी का मिश्रण पहले बर्तन में 3, टोटल मिश्रण हो गया 5 3 8, दूसरे बर्तन में 11, टोटल मिश्रण हो गया 16 और 5 टोटल मिश्रण हो गया 7 5 12 और पहले बर्तन में 65 लीटर मात्रा है, पहले बर्तन में 65 लीटर, तो दूसरे बर्तन की मात्रा पूछी जाएगी। देखिए पहले बर्तन के 65 मिश्रण की 65 लीटर मात्रा को मिलाया जा रहा दूसरे बर्तन की कितने लीटर मात्रा के साथ, ये हमसे पूछा गया है। तो एलिगेशन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 8 16 12 कट के छोटा हो जाएगा जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 4 2 8 4 4 16 4 3 12। अब एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर आसानी से, 3 4 12 एलसीएम आएगा, 3 11 3 33 और 5 4 20 33 माइनस 20
ऐसे ही इधर पांच और दो की गुण, तीन और दो की गुणा करेंगे छह, तीन तीय नौ और पांच दुनी दस, दस माइनस नौ, छह कम छह दुनी बारह, तैंतीस में से बीस गए तेरह, बटे में दो अनुपात, दस में से नौ गया एक बटे एक, ब्रज गुणा कर लेंगे ऐसे, तेरह रेसो दो। देखिए तेरह रेसो दो है तो यहाँ पर लिख लेंगे तेरह रेसो दो। अब देखिए पहले वाले की मात्रा कितनी दी है, पैंसठ, ये पाँच गुणा है इसका, तेरह पंजे पैंसठ, तो इसका पाँच गुणा कितना होगा, दस, दस लीटर, तो दूसरे बर्तन में मिश्रण की दस लीटर मात्रा होनी चाहिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, दस लीटर। ये रहा बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक सॉल्यूशन के साथ, आपको हर एक एक क्वेश्चन इस बुक का बड़ा आसान और ईजी बनाकर कराया जाएगा।